नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति सूत्रों में पहले तीन महत्वपूर्ण सर्वसमिकाओं के को लिख लेते हैं। तो ये है सर्वसमिकाएं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक। यहाँ यक्स लिखा है, यहाँ पर कहीं ए भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ठीक। फिर दूसरी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। ये तीनों ये सब समीकरण कहलाती हैं। ठीक ना, और ये सूत्र है, ये सब सूत्र हो गए पहला। अब देखिए इसके बाद कॉस का लिखते हैं पहले, फिर कॉस एक दो तीन ये चार, ठीक ना। कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। साइन एक्स साइन वाई, इसी प्रकार कॉस का कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में साइन एक्स साइन वाई। फिर साइन का देखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, इसका सूत्र होता है साइन एक्स कॉस वाई, प्लस है तो प्लस ही रहेगा कॉस एक्स साइन वाई। फिर साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आठवां सूत्र देखते हैं, टेन एक्स प्लस वाई, इसका सूत्र होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे एक माइनस टेन एक्स टेन वाई। फिर टेन का प्लस में है तो टेन का माइनस में लिखते हैं, यही हम लिखते हैं बगल में ही है तो नीचे लिख देते हैं। टेन एक्स माइनस वाई तो होगा टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये टेन के हो गए। तो अब कॉट के देख लेते हैं यहीं पर, अब दसवां। तो कॉट एक्स प्लस वाई, तो कॉट एक्स प्लस वाई को टेन एक्स प्लस वाई को ही देख कर लिख लेंगे। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए इसमें पहले टेन एक्स था तो यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, फिर वन माइनस कॉट एक्स कॉट वाई, ये सूत्र हो गया। इसी प्रकार एक बार कॉट एक्स माइनस वाई का भी लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉट एक्स माइनस वाई तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शुरू करें कॉट एक्स माइनस कॉट वाई वन प्लस कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक ना। कॉट एक्स प्लस वाई मतलब होता ये फॉर्मूला है, मगर लिखने याद करने का तरीका है कॉट एक्स कॉट वाई वन माइनस कॉट एक्स कॉट वाई,
ये कॉट है ये, ठीक ना। फिर ये कॉट एक्स माइनस वाई का कॉट एक्स माइनस कॉट वाई वन प्लस कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक ना। तो ये हो गए सूत्र। अब इसमें साइन टू एक्स कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स का भी फॉर्मूला देखते हैं। अब कॉट टू एक्स का देखते हैं, ठीक ना। ऐसे लिखते हैं कॉस टू एक्स। तो इसके कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। फिर एक और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कॉस टू एक्स के ही फॉर्मूले होते हैं। अब इसके बाद साइन टू एक्स का देखते हैं। साइन टू एक्स तो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। और एक फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन टू एक्स का देखते हैं। तो टेन टू एक्स क्या होता है, साइन बटे कॉस कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा कॉस का। तो ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाता है टू टेन एक्स। देखिए इसको मैं बना देता हूँ ये कैसे होता है, ये याद करने में इजी पड़ेगा। देखिए टेन का होता है साइन बटे कॉस होता है, तो लिखेंगे साइन टू एक्स बटे कॉस टू एक्स। तो साइन का वैल्यू ये रखा है, यहाँ रख देते हैं टू टेन एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये पूरा मेन बटा। और कॉस टू एक्स की वैल्यू इसको रख लेते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो ये और ये बटे के बटे में है, कैंसिल जाएगा तो ये जाएगा टू टेन एक्स बटे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स हो गया। अब थ्री एक्स का देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब साइन थ्री एक्स देखते हैं। साइन थ्री एक्स बराबर थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। और कॉस थ्री एक्स देखते हैं, तो ये होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। फिर टेन थ्री एक्स देखते हैं, टेन थ्री एक्स का देखते हैं तो होगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो हो गया साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स हो गया। साइन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक ना। कहीं कहीं किताबों में कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा जाता है, इसको सी एंड डी फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ सी और डी लगा के लिखते हैं तो सी एंड डी फॉर्मूला हो गया। कॉस हम एक्स और वाई को ही लेके चल रहे हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई तो होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। x माइनस अब लिखते हैं कॉस x माइनस कॉस y तो होता है माइनस टू साइन x प्लस y बाई टू साइन x माइनस y बाई टू। फिर साइन एक्स
प्लस साइन वाई, ये होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसको होता है टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस होता है यहाँ और यहाँ साइन होता है साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। तो ये जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ वहाँ सी और डी भी लगा के भी किसी किसी किताबों में दिया हुआ ये फॉर्मूला। अब प्रक्षेप सूत्र देखते हैं। प्रक्षेप सूत्र, इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये होता है a बराबर b cos c प्लस c cos b और b बराबर c cos a प्लस a cos c और थर्ड होता है c बराबर a cos b प्लस b cos a, यहाँ कैपिटल में हो जाएगा, कोण है ये a, ठीक ना। अब नेपियर का सूत्र देखते हैं। नेपियर का सूत्र, नेपियर फॉर्मूला, ठीक है, बहुवचन होता है फॉर्मूला का फॉर्मूला ही, ठीक ना। टेन a माइनस बी बाई टू का होता है a माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट, कॉट होता है यहाँ पर कॉट c बाई टू, ठीक ना। ए बी है तो a माइनस बी ए प्लस बी और यहाँ कॉट c बाई टू, ठीक ना, a b का c। अब इसके बाद टेन b माइनस सी बाई टू, तो ये हो जाता है b माइनस सी बटे b प्लस सी और यहाँ कॉट a बाई टू, फिर यहाँ टेन c माइनस ए बटे टू बराबर c माइनस ए बटे सी प्लस ए, ये हो जाएगा कॉट b बटे टू, ठीक ना। तो ये हो गया नेपियर का सूत्र हो गया। अगला देख, अब देखते हैं त्रिभुज के अर्धशीर्ष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखते हैं त्रिभुज के अर्धशीर्ष, अर्धशीर्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात, के त्रिकोणमितीय अनुपात, शीर्षों के त्रिकोण मितीय अनुपात, तो इसमें है पहले साइन ए बाई टू, तो इसका होता है कर्णी में यस माइनस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में यस माइनस सी बटे बी सी, और साइन बी बाई टू, साइन बी बाई टू का होता है कर्णी में यस, एक कर्णी में यस माइनस सी और एक कर्णी में यस माइनस ए बटे सी ए, और थर्ड होता है साइन सी बाई टू, तो ये होता है कर्णी में यस माइनस ए और यस माइनस बी बटे ए बी, ठीक ना। अब इसी प्रकार कॉस का भी देखेंगे और टेन का भी देखेंगे, तो कॉस का देखते हैं। अब कॉस ए बाई टू बराबर
करनी में यस यस माइनस ए बटे बी सी बटे बी सी, फिर कॉस बी बाय टू, कॉस बी बाय टू का हो जाएगा करनी में यस यस माइनस बी बटे सी ए, और कॉस सी बाय टू बराबर करनी में यस यस माइनस सी बटे ए बी। और थर्ड टेन का देखते हैं, टेन ए बाई टू करनी में, तो ये हो जाएगा टेन का है तो साइन बटे कॉस होता है, तो इसके बटे इसको करेंगे तो आ जाएगा यस माइनस बी और यस माइनस सी बटे यस यस माइनस ए, फिर टेन बी बाई टू हो जाएगा, टेन बी बाई टू हो जाएगा यस माइनस सी और यस माइनस ए बटे यस यस माइनस बी, ये हो जाएगा टेन सी बाई टू बराबर करनी में ये रहा यस माइनस ए यस माइनस बी बटे यस यस माइनस सी। तो ये हो गए त्रिभुज के अर्ध शीर्षों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज हमने त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।